नमस्कार दोस्तों, ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पेंट करने वाले हैं इस हीरो होंडा स्प्लेंडर के चेसिस को। ये स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल है हीरो होंडा का, इसकी चेसिस कभी भी पेंट नहीं हुई है, पहली बार हम इसको पेंट लगाने वाले हैं। लेकिन पेंट लगाने से पहले इसका जो प्रिपरेशन रहता है वो अच्छी तरह से होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरा चैनल बहुत सालों से फॉलो कर रहे हो तो ये सब आपको मालूम होना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी बहुत बार लोग अपने चेसिस को पेंट करना चाहते हैं लेकिन वो वाला लुक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो अच्छा ग्लॉसी वाला लुक जब आपकी चेसिस नई थी वैसा वाला लुक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो आपने गलत वाला पेंट इस्तेमाल किया है सस्ता वाला, और दूसरा तो आपने जो प्रेपरेशन लगता है पेंट लगाने से पहले वो आपने ठीक से नहीं किया है, इसी वजह से आपको अच्छी फिनिश नहीं प्राप्त हुई है। तो इधर आपको पहले डीजल लेके नहीं तो किचन ग्रीस रिमूवर लेके इस चेसिस के ऊपर जो भी ऑयल है कुछ भी गंदगी है वो निकालनी है, और बाद में आपको एक बर्तन धोने वाला साबुन लेके इसको अच्छी तरह से धोना है। तो स्टेप वन, पहले आपको चेसिस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो इधर आप देख सकते हो कैसे अभी मेरा रस्ट जो है वो टिक से दिखाई दे रहा है इसको अच्छा क्लीन करने के बाद। तो अभी नेक्स्ट स्टेप, आपको सैंड पेपर लेके ये सब रस्ट को हटाना है। जहां भी हथौड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा उधर हथौड़ा इस्तेमाल करके रस्ट को निकाल लिए। तो इस स्टेप में आपको जहां भी आपका रस्ट है वही जगहों पे आपको अच्छी तरह से सैंडिंग करके सब रस्ट को बाहर निकालना है। रस्ट को बाहर निकालने के बाद और अच्छी तरह से इसको रिंस करने के बाद आपकी सरफेस कुछ ऐसे दिखेगी। तो एक बार आपका सब रस्ट बाहर निकाल के हो जाता है तब आपको ये रस्ट को अच्छी तरह से ट्रीट करना है विनेगर वाटर लेके, और ये ट्रीटमेंट करके इसको एक दिन छोड़ना है। अब ये सब चीजें आपको एक चेसिस के ऊपर करनी पड़ती है क्योंकि ये चेसिस हम लोग बार बार बाहर नहीं निकालते हैं, ये बहुत सालों बाद शायद एक बार आप बाहर निकालेंगे। तो इसको एक बार जब आप बाहर निकालते हो तो उसको ठीक से प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। अभी अगले दिन को जब आपका चेसिस को रिंस करके हो जाता है तो उसको ड्राई होने के बाद आपको एक वैक्स एंड ग्रीस रिमूवर लेके पूरे चेसिस को अच्छी तरह से वाइप करना है। तो ये सब चीजें करने के बाद आपकी चेसिस ऐसे अच्छी क्लीन और ग्रीस फ्री दिखेगी। तो दोस्तों अभी टाइम है प्राइमर लगाने का। अब क्योंकि आपने चेसिस के ऊपर से सब रस्ट निकाल दिया है तो उधर चुअली बेयर मेटल एक्सपोज हुआ रहेगा, तो बेयर मेटल को अच्छा कवर करने के लिए और पेंट को सरफेस के साथ अच्छा बॉन्डिंग मिलने के लिए आप इधर तीन टाइप के प्राइमर यूज कर सकते हो। एक है इच प्राइमर, एक है रेड ऑक्साइड प्राइमर और एक है इपॉक्सी प्राइमर। इधर सबसे सस्ता प्राइमर है रेड ऑक्साइड प्राइमर जो आपको आसानी से किधर भी मिल जाएगा, लेकिन रेड ऑक्साइड प्राइमर आपके मेटल को उतना अच्छा प्रोटेक्शन नहीं देगा जो इपॉक्सी और इच प्राइमर देगा। तो इधर मैंने इपॉक्सी प्राइमर का इस्तेमाल किया है। तो चेसिस के एक साइड में इपॉक्सी प्राइमर लगाने के बाद मैंने इसको एक दिन दिया है सूखने के लिए। अब एक दिन सूखने के बाद मैं इसको ऐसे टर्न करूंगा क्योंकि मेरा इपॉक्सी जो मैंने लगाया था वो अभी ड्राई हो गया है कम्प्लीटली, और इस साइड अभी मैं वैक्स एंड ग्रीस रिमूवर लेके अच्छी तरह से वाइप करूंगा और अब मैं इस साइड में इपॉक्सी प्राइमर लगाऊंगा। तो अभी अगला स्टेप जो आता है वो है सैंडिंग का। अब आपको पूरी चेसिस जो है वो सैंडिंग करनी है, जितने भी कोने हैं टाइट स्पेसेस है उन सब जगहों पे आपको अच्छी तरह से अभी सैंडिंग करना है क्योंकि इसके बाद हम लोग पेंट लगाने वाले हैं। तो सैंडिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद पूरे चेसिस को वैक्स एंड ग्रीस रिमूवर लेके वाइप कीजिए। और अब टाइम है मास्किंग का। तो अभी इस चेसिस में बहुत सारे नट लगे हुए रहेंगे, उस नट के अंदर आपको पेपर के टुकड़े भरने हैं, जिधर भी ट्रेड है उधर टेप लगा के कवर कीजिए। नहीं तो एक बार पेंट लगाने के बाद अगर पेंट आपके ट्रेड के ऊपर बैठता है तो नट या बोल्ट लगाने के लिए आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो वो अवॉइड करने के लिए एक 10 मिनट लीजिए और मास्किंग ठीक से कीजिए। तो मास्किंग करने के बाद अब टाइम है पेंट लगाने का। तो चलिए पेंटिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इधर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सिंगल स्टेज पॉलीयुरेथेन ब्लैक पेंट।
जैसे ही मैं इस पेंट को स्प्रे करूंगा मुझे हाई ग्लॉस मिलेगा। इस पेंट के ऊपर क्लियर कोट लगाने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा हार्ड हो जाता है और आपके मेटल को भी अच्छा प्रोटेक्शन देगा। अब चाहिए तो चेसी के ऊपर बेस कोट क्लियर कोट सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो भी मैंने किया हुआ है जिसका वीडियो मैं फ्यूचर में इस चैनल पे डाल दूंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए ताकि आपको मेरा कोई भी नया वीडियो मिस नहीं होगा। अब आपने वीडियो इधर तक देख ही लिया है तो इससे मालूम पड़ता है कि आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग ठीक से सीखना चाहते हो और खुद के कार या बाइक को पेंट करने का आपका शौक है। तो अगर आप खुद के कार या बाइक को पेंट करना चाहते हो तो आपको सही नॉलेज मिलनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप सीरियसली ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक कोर्स बनाया है जहां मैं स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान तरीके से ये पूरी प्रक्रिया को सिखाता हूं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हैं, जैसे आपको स्प्रे बूथ आपका कैसे सेट करना है, आपको कौन सा कंप्रेसर चाहिए, पेंट कैसे मिक्स करते हैं, स्प्रे गन्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे गन्स का सेटिंग कैसे करते हैं, डेंट को कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने उस कोर्स में दिखाया हुआ है। तो अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे कोर्स का लिंक डाल दिया है, आप उधर जाके कोर्स में एनरोल हो सकते हो जो आपको लेके जाएगा अगले लेवल पे। अब एक जरूरी चीज मैं आपको इधर बोलना चाहूंगा, इस चेसिस के ऊपर पेंट स्प्रे करने के लिए बहुत टाइम जाता है क्योंकि इसको बहुत ही टाइट स्पेसेस रहते हैं, बहुत ही कोने रहते हैं जिधर टिक से आपका पेंट अंदर जाना चाहिए। इसी वजह से आपके गैरेज में या स्प्रे बूथ या जहां भी आप पेंट कर रहे हो उधर अच्छा लाइटिंग होना चाहिए क्योंकि आप इजीली कोना मिस कर सकते हो। अब ये सिंगल स्टेज पेंट की अच्छी बात यह है कि ये किसी भी कोने में आप स्प्रे करोगे उधर वो हार्ड होके आपको प्रोटेक्शन देगा। अब एक साइड में मैंने दो कोट लगाए हैं और वो दोनों कोट लगाने के बाद आपकी चेसिस कुछ ऐसे दिखेगी। लेकिन अगर आप बेस कोट क्लियर कोट का इस्तेमाल करते हो तो यही प्रक्रिया आपको दो बार दोहरानी पड़ेगी, दो कोट बेस कोट के और दो कोट क्लियर कोट के, तो आपका पूरा दिन जा सकता है इसको पेंट करने के लिए। अगर आपका बेस कोट मिस हो गया और उसके ऊपर आपने क्लियर कोट लगा दिया तो ठीक से प्रोटेक्शन आपके चेसिस को नहीं मिलेगा, और अगर आपने बेस कोट उधर लगाया है और उधर क्लियर कोट नहीं लगा है तो भी आपका प्रोटेक्शन ठीक से नहीं होगा। इसी वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि चेसिस के लिए पॉलीयुरेथेन सिंगल स्टेज पेंट सबसे बेस्ट है क्योंकि ये अच्छा हार्ड होके आपके चेसिस को अच्छा प्रोटेक्शन भी देगा। आप चाहे तो दो से तीन कोट भी लगा सकते हो और प्रोटेक्शन चाहिए तो, और ये आपका कोई भी स्पॉट पे मिस होने के लेस चांसेस है। तो इधर मेरे एक साइड में दो कोट लगा के हो गए हैं और इसको मैंने एक दिन दिया है सूखने के लिए। अब इस चेसिस को मैं दो पार्ट्स में पेंट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे अगर आप पेंट करोगे तो आपके बहुत लेस चांसेस रहते हैं कोई भी स्पॉट पे मिस होने का। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको मास्किंग करना पड़ेगा जहाँ भी आपका पेंट अच्छी तरह से लगा है उधर, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि उधर ओवर स्प्रे बैठे। एक बार मास्किंग करके होने के बाद आप जहाँ भी आज स्प्रे करने वाले हो आपका पेंट, वहाँ आपको ऊपर ही ऊपर से थोड़ा सैंडिंग करना है और वैक्स एंड ग्रीस रिमूवल लेके अच्छी तरह से वाइप करना है और पेंट स्प्रे करने को चालू करना है। अब ये पूरी प्रक्रिया आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास जगह होनी चाहिए चेसी को हैंग करने के लिए। अभी सब लोगों के पास चेसी को हैंग करने की जगह नहीं होगी, अगर आपके पास है तो आप इसको हैंग करके एक ही दिन में इसका पेंट जॉब खत्म कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसके पास हैंग करने के लिए जगह नहीं है, तो बिना हैंग किए भी आप एक अच्छी फिनिश प्राप्त कर सकते हो, वो आप किलोगे इस वीडियो के अंत में। तो एक बार आपका पेंट करके हो जाता है तो मास्किंग निकालने को चालू कीजिए और इसको एक दिन दीजिए सूखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे कोई भी मेरा नया वीडियो आपको मिस नहीं होगा। टिल देन दिस इज रायसन फर्नांडिस साइनिंग आउट, और अब मैं मिलूंगा आपको मेरे अगले वीडियो में। तो जाइए देखिए चेसिस के फाइनल शॉट्स।